दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज। ए वुमेन ने मिराज बेगम एज 30 रेसिडेंट ऑफ शाही नगर मदर ऑफ 3 किड्स डाइड अंडर सस्पिशियस कंडीशन फैमिली मेंबर्स मेक एलिगेशन ऑन हस्बैंड एंड हर इन लॉस वॉच ऑल डिटेल रिपोर्टेड बाई एहतिशाम खान। नाम हलीमा बेगम है, मेराज की बहन। मेरा नाम हलीमा बेगम है, मेराज की बहन हूँ मैं। हमारी बहन को बहुत दिनों से टॉर्चर कर रहे थे लगा 2-3 महीने से। तो हम लोग कभी भी आया जब समझा के करके भेजा दे रहे थे। कब आया जब पैसे लेके जाना, कपड़े वो या आना लेके जाना, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं दिलाते थे भाई। हम लगा जान दो ना, बल्कि दिला के करके भेजाते थे। हर बात से टॉर्चर करते थे, यहाँ तक के पैसे भी हमारे अम्मी के हाथ से मंगाते थे। शादी जब से हो रहा है, जान दो बल्कि जान दो ना बल्कि हम लगा समझा के करके पैसे वो दे के करके भी जाते थे। और हमारी बहन थैलियाँ सीती थी। अब थोड़े दिन के उनके हाथ से टीवी की बीमारी हुई थी, उनके हाथ से नहीं हो रहा था सीना, नहीं हो रहा तो हाँ कहीं को नहीं सीती वो, ये बल्कि मारा मारी कर रहे थे उनके संग। और पिशानी पे निशाना भी है उनके। अब जो कर रहे ना वो पूरे टीवी कब से था? टीवी का इलाज हो गया, हम लगा करा के भेजा इलाज। अच्छा, आप लगा करा? हाँ, लॉकडाउन में ससुराल वाले कुछ भी नहीं करे? नहीं नहीं करे, करे लगा थोड़ा बहुत बताए हम लगा लॉकडाउन में दवा करने से दवा ला के करके। ये फोटो है देख, लॉकडाउन में दवा वो सब लेके आके करके अच्छा करके भेजा दिया। हमारी बहन 3 बच्चे है देखो, छोटे छोटे, हमारी बहन के संगा 2 बच्चों के संगा, 3 साफ होना देखो। अकबर अभी बच्चों की उम्र क्या है? बड़ी बच्ची की 9 साल है, छोटी बच्ची की 7 साल है, बच्चे की 5 साल है। ये बच्चों को जाते लगा घर में रहते हैं? हाँ, स्कूल को जाते हैं? स्कूल को भी नहीं डाले साहब, स्कूल को भी नहीं डाले बच्चों, ना स्कूल जाते ना अरबी बच्चे। उस्मान बाग कमाटीपुरे के रहने वाले हैं। बच्ची के माँ बाप जो गरीब फैमिली से है, शादी होके तकरीबन 10 से 13 साल हो रहा है। ये शाइना घर में ससुराल है उनका, वहाँ पर करके दिए शादी, दिए जब से टॉर्चर वगैरह कर रहे हैं लोग। तकरीबन बार समझाए करें, और इनके शोहर जो मरहूम मेहराज बेगम हैं, उनके शोहर जो सो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे थे, मारम तोड़ी करना, ये करना, और कई बार समझाने के मौजूद भी नहीं समझ रहे थे लोग। तो आखिरी में 3 महीने इनके बच्ची के वालदा के पास बच्ची आके रह गई, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं बच्ची को, आके रहने के बाद में उसके बाद कोई साहेब आए आकर समझा के करके एक लेके गए बच्ची को। लेके जाने के बाद में फिर से टॉर्चर करना, ये करना, बच्ची के पास फ़ोन नहीं, पी के शोहर आके मारना करना, तो ये ऐसे कहीं वाकियात हो रहे थे। तो आखिरी में बच्ची जो है सो माँ बाप से भी फ़ोन नहीं बच्ची के पास। 8 दिन पहले बच्ची के माँ से बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद में बच्ची ये कहा कि ऐसा मेरे ऊपर टॉर्चर करे, जुलूम करे। उन्हें ऑटो चलाता, घर में थैलियाँ वगैरह सीते उन लोग, उनके पूरी जॉइंट फैमिली है, 10 से 12 जने कोई रहते हैं घर में। तो कल ये हादसा पेश आया, 5 बजे बच्ची का इंतकाल हो गया। जो मासूम 3 बच्चे हैं बच्ची को इंतकाल होने के बाद में उन लोग जाके कंप्लेंट दिए कि पुलिस स्टेशन में, बालापुर पुलिस स्टेशन में, कि बच्ची फांसी ले ली बोलकर उन लोग कंप्लेंट दिए। उसके बाद में जब बच्ची के घर वाले शाम में बात करे मेड़ से बात करने के बाद, मैं रात में जाके बालापुर पुलिस स्टेशन जाकर रात में 11:30 बजे मैं कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देने के बाद पुलिस वाले उन लोगों के ऊपर कंप्लेंट लिए, कंप्लेंट लेके एक्शन लेके सुबह 10:30 बजे जाके शौहर को और उसके ससुरे को, बच्ची के शौहर को ससुरे को, दोनों को जो है सो पुलिस स्टेशन में लेकर आके बालापुर पुलिस स्टेशन में रखे हम। और जो सो बच्ची को जो है सो वहाँ से अवेसी हॉस्पिटल में, रात भर अवेसी हॉस्पिटल में थी बच्ची, वहाँ पर से लेकर आके अभी हम लोग उस्मानिया आए। आने के बाद इन लोग बहुत ही गरीब फैमिली से, इन लोग के पास में कुछ ऐसा नहीं है कि कमाने खाने का जरिया। जो बच्ची के माँ हैं वो अपना गुजारा घर में काम वगैरह करके करते हैं। और तेलंगाना हुकूमत से और कमिश्नर ऑफ पुलिस रक्षा कुंडे से हम यही अपील करते हैं कि महेश भागवत साहब से ये केस को ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस ले, और जो है सो इसके ऊपर तहकीकात करे, जो मुजरिम हैं उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करे।